नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार मार्की टैग का यूज करके आप सोशल मीडिया के जो लोगो होते हैं फोटो, उनमें लिंक ऐड करके आप कैसे रनिंग करवा सकते हो। हम दोस्तों पूरा जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में। और दोस्तों, हमने पहले से एक पोस्ट लिखा है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर हमने पूरा जानकारी भी दिया है, और इस कोड को आपने सबसे पहले कॉपी कर लेना है। हम सिलेक्ट ऑल करके इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, और इसमें किसी भी HTML कोड एडिटर एप्लीकेशन में जाकर इस कोड को रन करके हम आपको एडिट करके दिखाते हैं, और किसी भी एक ब्लॉगर पोस्ट में, या हम आपको किसी जैसे वेबसाइट के हेडर में इसको लगा कर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम किसी HTML कोड एडिटर में चलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल करेंगे, और उसके बाद उस को पूरे कोड को यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करके कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पर आउटपुट पर क्लिक करेंगे, यानी रन कर देंगे। तो दोस्तों, वह कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे। अब इसमें सभी में एक लिंक है, मान लीजिए जो सोशल मीडिया लिंक हैं वह ऐड हैं। जैसे कि जो भी बंदा इन पर क्लिक करेगा, तो वह आपके जो लिंक लगाओगे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। जैसे कि हम आपको एक दिखाते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर फेसबुक पर क्लिक करते हैं, फेसबुक के लोगो पर हम क्लिक जैसे ही करेंगे, तो दोस्तों ये पहुँचा देगा, जैसे कि हमारा जो फेसबुक पेज है तो इस पर पहुँचा देगा जैसे। और यहाँ से कोई भी आपके जो पोस्ट हैं या आपको फॉलो वगैरह कर सकता है। तो इस प्रकार आप, ये कोड हमने दिखा दिया है। अब इसको हम किसी पोस्ट में लगाकर दिखाते हैं। तो चलिए हम क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं। तो दोस्तों, एक मैंने पोस्ट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम आपको लगाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम HTML लिखते हैं, और यहाँ पर HTML कोड व्यू पर जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है, और वह कोड को पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर हम कंपोज व्यू पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये आइकन बना है, इस पर जाएंगे। यहाँ से पब्लिश भी अपडेट कर सकते हैं। अब थोड़ा वेट करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली ये वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार देख सकते हो। अब दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं एक वेबसाइट में, यानी हेडर में लगाकर। तो बैक चलते हैं। जैसे कि दोस्तों, एक वेबसाइट है, इसमें हम आपको दिखाएंगे लगाकर। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और लेआउट में जाते हैं। अब यहाँ पर हम साइड बार में या कहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर गैजेट जोड़ों पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर HTML पर जाएंगे, और यहाँ पर सामग्री वाले आइकन पर पूरा कोड पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर सेव कर देंगे। यहाँ पर टाइटल भी दे सकते हो, जैसे कि हमने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर टाइटल भी दे सकते हो। तो हमने नहीं लिखा है। चलिए हम इसको रन करके दिखाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से हम जाएंगे ब्लॉग देखने पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम मेन मेन्यू में जाएंगे। तो फाइनली इस प्रकार देख सकते हो, ये पूरा लग गया है। और भी आप किसी तरीके से लगा सकते हो, जैसे कि आप